मेज़बान ज़ुबैर बड़ो और आप देख रहे हैं नज़र न्यूज़। तो बात करेंगे तफसीली आज जो है आटे के बहरान के हवाले से। तो सिंध भर में जो है आटे के बहरान का जो है एक बड़ा जो है हमें बहरान देखा जा रहा है। और ये बहरान जो है क्यों हो रहा है, आखिर वजह क्या है। इस वक्त जगह बात के जखरानी फ्लोर मिल पर मौजूद हूँ और मेरे एकदम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लोर मिल में जो है आटा तैयार किया जा रहा है। इस तरफ देखेंगे कि ये जो है वो आटा है जो आम जो है मार्केट तक पहुँचता है। और ये आटा जो है तकरीबन जो है 130 रुपये किलो तक जो है ये मार्केट में फराहम किया जाता है। ये जो है आटा आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है ये इसकी बोरियाँ जो है वो जो है भरी जा रही हैं। और ये जो आटा जो है यहाँ से होकर जो है आम मार्केट में पहुँचेगा। इसके बाद जो है सिंध हुकूमत की जानब से बढ़ते हुए आटे के बहरान के बाद सिंध हुकूमत ने जो ऐलान किया था कि आवाम को जो है सस्ता आटा जो है वो फराहम किया जाएगा। ये वो आटा है जो सस्ते रेट पर जो है आटा फराहम किया जा रहा है। ये यहाँ पर जो है 10 किलो आटे के जो थैले हैं वो जो है भरे जा रहे हैं। और ये आटा जो है यहाँ से जो होकर जो है उस जगह पर मैं भी आपको पहुँचाता हूँ। वहाँ पर जो है देखेंगे कि आप आवाम जो है एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और आटा ख़रीदने के लिए देखें कि लोग जो है कितना परेशान नज़र आ रहे हैं। लोग जो है दूर दराज इलाकों से आकर यहाँ पर जो है आटे के हसूल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बूढ़ी खवातीन सुबह से यहाँ पर आटे के इंतज़ार में मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से जो है आटे की कीमतों में जितना इजाफा किया गया है, क्या वजह है आखिर, वो भी हम तफसीली आपको बातचीत करेंगे। मगर इनसे बातचीत करेंगे कि ये कब से आई हैं और यहाँ पर जो है आटे के स्टॉल पर मौजूद हैं और इनको जो है सस्ता आटा किस तरह मिल रहा है। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। कहाँ आया है? अच्छा कहाँ आया है? गरीब न पोरे न पाई कारे वनी भला गरीब मुर्स गरीब मुर्स पटरी गरीब जाय किरी पई शहर को ता हते अटो वठन छो आया छा बजे नूरवा को छो आया हो तो आया हूं गरीब कारे वनी भला अटो उते भी मिले ना बस चूंडी पे हराम हुंदी कसम ते पटरी की कसम आ ते भला छो बहते अटो जो का सस्तो मिले तो अब को हर कारे वनी सस्तो मिले तो आ बचन करे अम्मा तमा बतायो काथों आया है असा बा जे कम बाईपास हेठ महंगाई आए छ महंगाई है नंडड़ा बच्चा है न पुट एतरो गाडा गाडो वाए तो बा पत्नी जो मरी जा रात को बार भूखा पिया है मजबूरी खो आसे सर इते सस्तो ऑटो मिले हां ये फायदो सा मिले त मरी गरीब जो जहान आ हां बा छो महंगाई गई आ छा वजह छाजे खातिर कह न कोई सा के इमरान जो पैसा मिलन था न को बेनतीर जो मिले तो असा गरीब आयो घर दर टई व्या है न ये जो तंबड़ू हणी बैठा है कुछ भी ना है ना को माल है ना को मिलकत है कुछ भी ना है बाईपास को हेठ हूँ कलर से बैठा हूँ बा न को फंड मिले तो न को बोर्ड लोड सब खणी वे है अन मांग जो दौर अस कारे वने अच्छा नंडा साने न चाहूं ता तवा वट हां तो मुतासिर वरी अटो भी मांगो हां अटो भी मांगो त बा हाने पेट किलो ब किलो ते गडा गाडो समझो छा जो गुजरान कंदो बा पुट म जो एकड़ी आबा धी म जा या है यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में ख्वातीन मौजूद हैं। वो कह रही हैं कि महंगाई के बाद जो है हमारा जो है दो वक्त की रोटी खाने से भी हम बासर हो चुके हैं। मगर यहाँ पर जो है दूर दराज इलाकों से आने के बाद जो है बड़ी मुश्किल के साथ यहाँ पर आटा खरीद करके हम लेकर जा रहे हैं अपने घरों को। अमां महंगा थी गया है आप ॾाढा महांगा थी विया आटा पर मजबूरी आहे कमकार न आहे नंढड़े ॿार आहिनि केरु ॾेवे कई हिते सस्तो मिले थो तव्हांखे हा त नथो मिले असांखे आटा सस्तो महांगो थी वियो आहे रोज़ असां माण्हुनि खे जेको आहे तकरीबन 400-500 घटो ॾींदा आहियूं ॾींदा न आहे अदा ॾींदा आहिनि हा असां 8-10 ॾींहं ग़रीब आदमी पोरिया न आहे केॾी आहे केॾी न आहे तगारी जो क्या करूं। नाजी यहाँ पर फ्लोर मिल पर हम मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है ये पैनल लगा हुआ है हुकूमत सिंध पाकिस्तान की तरफ से आवाम के लिए रिलीफ सस्ते आटे के लिए। यहाँ पर ये 10 किलो के आटे की बोरियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। ये चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है लोग जो है ये आटा ख़रीदने के लिए जो है दूर दराज इलाकों से आते हैं ताकि वो अपने घर का जो है गुजर बसर कर सकें। मगर जो है हुकूमत की जानिब से बेइंतहा जो है महंगाई में इजाफा किया गया है। लोग जो है ये दो वक्त की
रोटी खाने से भी कासर हो चुके हैं। यहाँ पर हम जो है जो फ्लोर मिल के इंचार्ज हैं जगदीश कुमार, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है। उससे पहले जो है हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर जो है बूढ़ी खवातीन मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हम तमाम बुधा है अटो वो छा चुनो जो अटो सस्तो है या हुकूमत की महंगाई तरफ छा चुनो जो है मिले तो अटो बाकी कुछ ना फंड बंड कुछ ना मिले फंड बंड कुछ ना मिले हर शै महंगो पंज सौ जो है तो गाड़ी हो ये खवातीन जो है किस तरह जो है महंगाई का रोना रो रहे हैं। ये गरीब लोग हैं, इनके जो है घर का पहिया चलाने वाला जो है वो भी कोई नहीं है। ये आंखों की बिनाई से महरूम जो है खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि बीमार पे अख को काडे वन अटो जो को ता के सस्तो मिले पियो। हां हां सस्तो मिले तो बा ता जो मेहरबानी बा हुकूमत साथी करे बाकी अटो हते मिले जलील खार थी करे मानु जनता बाकी जो को ता को चार करनु आसा देता खाए खाए देखा खाऊ का सुबह जो मरन है ता शाम जो छीती ने भूख अन्या ते बैठा सुबह जो आया 8 बजे तेन मते कुछ न मते भूख ते सा ही निकरी वा सयो दा जी तक चे सस्ता ही कयो सा गरीब एको कमाणा रो सा मरी आसे भूख में कदे तवा सोचो त असा ला यो वक्त भी नथी नहीं दो त हाने आयो आ अल्लाह भलाई कंदो काका समझो कुछ न कुछ रिलीफ दींदी हां मजा बाबा का शय असा के न फंड मिलो न को हाजी झंडे जे गोठ में घर रही प्यान का शय बिना पोरे भी मर्दन के ना हां वरे रा खाई नहीं ड्रोपो भी नहीं अदा असा भूख मरऊं ता प्या मुजा त मासूम बचान पी भी गुजारे लियो तने यतीम बार है न मुजा घर छिजी पियो भुखन ते लीलाइंदा पिया वे तू लेन जो पानी भी बंद करे छडे उ पानी ते नथा वठी सकउ अस लीलाइंदा ता चाचो तो अमा अदा वडेरा ही खाई था फंड बंडु असा के न मिलो आज झंडे गोठ के का छियो पंजो महीनो आ हाने अटो उठण आया ओटेला छा चंदो ओटेला केतरो मान खार ते कयो त जा भलो आ न त पो हाने एतरे में दिंदो शाबाश थव हाने रात कंदो वेने अल्लाह वधाईंदा वधाईंदा अमा सा अटे खायो भा मलिया मेहरबानी आ शाबाश त सटो दे दो मांग जो दोरा मनाड़ो आ बन्नर एक यहां पर जो है बारिश और सैलाब से मुतासर लोग हैं। उसके बाद जो है यहां पर जो है आटा जो है महंगा किया गया है हुकूमत की जानिब से। ये इमदाद लेने के लिए ये समझ रही थी कि हमें शायद इमदाद मिले, मगर यहाँ पर भी जो है आटा जो है इनको पैसों के एवज मिल रहा है। जगदीश कुमार से हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पर जो है वो फ्लोर मिल के इंचार्ज हैं, किस तरह आटा इनको फराम किया जा रहा है और महकमा खुराक की जानिब से इनको जो है कितनी क्वान्टिटी में जो है यहाँ पर जो है गंदम की जो है बोरियाँ मिल रही हैं, कितना है इनको जो है तुम असाके बुधायो इतने मानू जो अचन था उनके की रिलीफ दूंगा घणी घणी रिलीफ असा सुबह जो 7 बजे को वही करे जो लेडीज आ जेंट्स आ जो अची करे जो इतने बेहन था बार गेट से उनके साथ बिहार में था जो अच्छे लेडीज आ बार बच्चा जो बैठा हूँ सुबह जो 10 बजे को वही करे रात 9 बजे तक कंटिन्यू जो इतने अटो सप्लाई थे तो जो 65 रुपये किलो थेलो लाख किलो 650 रुपये जो गवर्नमेंट असा 9,800 बोरी कोटा दे दी उनकी समथिंग 3400-3500 कटा जो असा डेली सप्लाई क्यों था जो आवाम से ये कटा या सप्लाई जो आवाम के पूरी नी पे डीसी चौक आ या स्टेशन रोड आ या जुड़िया चौक आ उ स्टॉल इन शे को मालूम रहन था फ्लोर मिल भी है फ्लोर मिल एक जकबा डिस्ट्रिक्ट से वही नाजायदी आ हर डिस्ट्रिक्ट के 30,000 बोरी 35,000 बोरी शिकारपुर हो गंदकोट कश्मोर लाड़कानो 40,000 बोरी सप्लाई कई थी वे असो ठुल तालुको मालूम आ गड़ी खेल तालुको मालूम आ नी शरी गवर्नमेंट बधाई दी तो वोडे भी डिस्ट्रीब्यूट थी बाकी इतने सुबह जो कंटिन्यू 10 कोटी रात 9 तीन सप्लाई हल्दी है खुराक ऑफिसर जो यही चवण है असो है अटो जो पानी ना जैसे सस्ते रेट से आवाम की पहुंचा एक महीनों थो अटो बंद है हाँ जो शुरुआत थी जैसे अटो जो सफा गाटे को मत चढ़ी वो साइन महकमा खुराक के जो अस चूं था बाबा तुम अचो जितनी क्वान्टिटी में खे अस सप्लाई क्यों पा खी वो पा हलो असटा जो मिले थी अस तो वह हलूँ ना अगर उनके स्टॉल हराना तो वह पा अस खी वन जितनी शे खे असूँ
पान हलान जो असें पेमेंट कर मुख्तलिफ क्वालिटी दसूँ पे बैग्स भरजन था वह वजह है कड़ी है काफ़ी जगह अटो जो है वो बे किलो शार्ट है बोरन में उनकी कड़ी वजह बे किलो जो मार्केट में जो मार्केट वारा ही पान ठारा फ्लोर मिलन को वा बारों शक्कर को रोड़ी को जड़ी बल्ती वा उनके फ्लोर मिलता उनके पूरे रेट से दे थी पाने आवाम के वो जो मान गैर कानूनी में शुमार बिल्कुल गैर कानूनी शुमार है 40 किलो की पेमेंट वे तो 38 किलो दे गैर कानूनी है वो सही डीसी साहब जो उनके निकले विजिट कर दुकान से बाबा तुम 38 किलो छो हलो था 37 किलो छो हलो था 40 किलो हलो 40 किलो की कीमत है 40 किलो हलो ये प्राइस कंट्रोल तो डीसी साहब कर सके तो तरीकेकार लेडीज के अटो था लेडीज के बीठा हो कवरेज किया हर लाइन में मू निकलता जितनी भी लाइन आन उत खत्म थी वही मू निकलता अटो मू रोजाना 34-35 सौ कटो सप्लाई थे सिर्फ इतने हलो था सिर्फ इतने जुड़िया चौक अगर सुबह को माँ चुन इतने मुतासर आई उनके बरसात मुतासर भी थी उन टाइम उनके फाका कशी घर गरीब औरतू उन्हें तुम सस्ते अटे लाते लाइन में बीठ उ चवन थी असं सुबह को बीठा हाँ पीतो है जो नजर अचे तो अटो ये 3500 कटा तो नीं उठी सुबह को जो बिल्कुल इतने आया डीएफसी साहब चाहिए डीसी चौक से स्टॉल हलो वेलकम अस इनके बीहे जिते की ब्लेटीज हुई सभी होते हलो डीसी चौक से डीएफसी चे तो उतने हल्दे इतों काफ़ी हलिया डीसी चौक से हलियासे स्टॉल हलियासे उतो जो वापस बचा सब इतने आया वही शे हाँ तुम इनके मुसलसल कवर किया रात तीन तक पानी खबर पी कंटिन्यू मिल हले थी जैस तीन हले थी जो भी निकल तो कोई वापस में वो महाराज तकरीबन 9 बजे तीन हल्द लेडीज रिलीफ इनमें मिले वो रिलीफ है गरीब के 650 रुपये 1300 रुपये 650 रुपये फी थे गरीब के रिलीफ है जी मुख्तलिफ स्टाइल कायम किया बदनजमी जी मौजूदगी में भी नजर आई उनकी वजह चाहे उनकी असल वजह है जो गवर्नमेंट जो प्रोटेक्शन नी दे वोट वाला भी इन कोई घबराइन था तो बदनजमी थे थी गुलाब तफरी फैल थी वे चोरी थी थी वे स्टॉल में अदा कटा वीवी कटा हाँ अस उतो हलए कर आया हूँ 16 कटा जो मूँ ये खड़ी वन जिनकी पेमेंट ही नी आ डीएफसी फूड डिपार्टमेंट इन शे को छिके तो प्रोडक्शन दिए तो फुल तरीके से हल हुकूमत की महंगाई कई है उनमें तुम समझो केतो इजाफो थो हुकूमत की महंगाई सही इन शा चई कुछ वो घर के लिए वा हों के महंगाई ऑलरेडी महंगाई वर्ल्ड लेवल की है ऑलरेडी महंगाई वर्ल्ड लेवल में है जो एक तो गदाई खोट है जो इन साल जो गुजर साल बारिशा पी वन उन्हीं के करे गदाई खोट पैदा थी है न तो मान लो कि चावल जटो खाइंदा हुआ हाँ वही चरियाल फसल है को वक्त में समझो तुम तो वास्तो है गंदम से इन फसल कड़े कड़े तरीके से ईंदड़ वक्त में बोरान घटी या ईंदड़ वक्त में बोरान अंदो जी महंगाई वी तेतो गरीब परेशान थी बिल्कुल नाजरी यहाँ पर आपने यहाँ पर जगदीश कुमार की बातें सुनी और इनका यही कहना है कि आने वाले वक्त में जो है ज़्यादा से ज़्यादा बोरान हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है जो मौसमी तब्दीलियों के बाद जो है आने वाली आफात जो है कुदरती उनके बाद जो है ये जो है असरा जो है यहाँ पर आम गरीब आदमी तक पहुँचेगा और ये लोग जो यहाँ पर मुतासर लोग हैं यहाँ पर जो है सैलाब से भी मुतासर हैं उसके बाद जो है ये बढ़ती हुई महंगाई से भी मुतासर हैं तो इन्होंने जो है मुतालबा किया है सिंध हुकूमत से और जो है आला हकाम से वफाकी हुकूमत से कि ये बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि यहाँ पर जो है हमें रिलीफ मिल सके तो मुझे दीजिएगा इजाज़त अल्लाह हाफिज़।